टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। 100 वन लाइनर श्रृंखला के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 जून से 30 जून तक के 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं 100 वन लाइनर्स। भारत में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आधारिक संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। यह मंदिर किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है नेपाल। किस राज्य ने शीर्ष धाविका हिमा दास का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? इसका सही उत्तर है असम। प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका सही उत्तर है 17 जून। बिहार सरकार ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही उत्तर है पंकज त्रिपाठी। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है शंभु एस कुमारन। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। कोविड 19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने किस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। प्रतिवर्ष 29 जून को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है सतत विकास लक्ष्य 3 और 5। सतत विकास लक्ष्य 3 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सबकी भलाई को बढ़ावा देना। सतत विकास लक्ष्य 5 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना। उस स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वेक्षण की संस्तुति की है? इसका सही उत्तर है VK पॉल। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नामित कोविड 19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है कोरोना कवच। सरकार द्वारा 1 जुलाई से आरंभ किए गए टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स की अवधि कितनी होगी? इसका सही उत्तर है 7 वर्ष। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 आरंभ की है? इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस तेल और गैस कंपनी ने चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस नामक एक नई तकनीक आरंभ की है? इसका सही उत्तर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किस रेटिंग एजेंसी ने वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के 5% तक संकुचित होने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है S&P। चीनी और भारतीय सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आम लोगों के लिए बंद कर दिया है? इसका सही उत्तर है श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग। हाल ही में किस राज्य में महानदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना मंदिर मिला है? इसका सही उत्तर है ओडिशा। कोरोना वायरस के कारण स्थगित हुए टेनिस टूर्नामेंट US ओपन को अब कब आयोजित करने की मंजूरी मिली है? इसका सही उत्तर है 24 अगस्त से 13 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 18 जून। किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए एक नई पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर अपने Washington DC में स्थित मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है Mary W. Jackson। भारतीय रेल ने 6000 से अधिक स्टेशनों पर वीडियो निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है रेल टेल।
कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन आरंभ किया है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ। कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत में प्रत्येक वर्ष पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 जून। किस भारतीय राज्य ने स्कूली बच्चों को पठन सामग्री प्रसारित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है हरियाणा। चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान MiG-29 और Su-30MKI खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? इसका सही उत्तर है 33। भारतीय रेल ने चीन की किस कंपनी को कॉरिडोर बनाने के लिए दिया गया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया? इसका सही उत्तर है बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड। दूरसंचार विभाग ने किन कंपनियों से चाइनीज 4G उत्पादों का प्रयोग बंद करने को कहा है? इसका सही उत्तर है BSNL और MTNL। अमेरिका ने 5G टेक्नोलॉजी के मानक तय करने के लिए किस कंपनी को अमेरिकी कंपनियों के साथ काम करने की अनुमति दी है? इसका सही उत्तर है हुआवे। BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही उत्तर है 1 वर्ष। एशियाई पैरालंपिक समिति की हालिया घोषणा के अनुसार चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है बहरीन। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 19 जून। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित शिवालिक जंगल से हाल ही में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है सहारनपुर। भारत को एक माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कब प्राप्त होगी? इसका सही उत्तर है अगस्त 2021। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? इसका सही उत्तर है वोल्किन वजकीर तुर्की। RIC अर्थात रूस, भारत और चीन समूह की मंत्री स्तरीय मीटिंग में भारत की ओर से 23 जून को किसने प्रतिभाग किया? इसका सही उत्तर है S. जयशंकर। चीन ने बांग्लादेश से आयात किए जाने वाले कितने प्रतिशत सामानों पर प्रशुल्क में छूट प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 97%। किस राज्य द्वारा 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 20 जून। कामाख्या मंदिर, जहां विगत 500 वर्ष में पहली बार बाहरी साधकों के बिना ही अंबुवाची उत्सव मनाया गया, किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है असम। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है आरोग्य पथ। एनोस्मिया, जो हाल ही में सुर्खियों में थी, किस जैविक घटना से जुड़ी है? इसका सही उत्तर है गंध महसूस करने की क्षमता की आंशिक या पूर्ण हानि। मरते पूरा रे जमराज, जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता, किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? इसका सही उत्तर है ओडिया। किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात CBIC। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? इसका सही उत्तर है 43वीं। अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन, जिसे ध्वस्त कर दिया गया, किस देश में स्थित था? इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 का विषय क्या है?
इसका सही उत्तर है प्रेषण एक जीवन रेखा है। चीनी कार निर्माता ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपने विनिर्माण संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। नाबार्ड की निवेश शाखा नावेंचर्स ने अपना पहला निवेश किस भारतीय फिनटेक स्टार्टअप में किया है? इसका सही उत्तर है जय किसान। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अगस्त 2019 के बाद से कौन सी वित्तीय संस्था हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की नियामक है? इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। बीपी अर्थात ब्रिटिश पेट्रोलियम सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार 2019 में वैश्विक रूप से तेल उपभोग के मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है तीसरे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिवर्ष कितने अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर है पांच। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और इंटरपोल से मदद मांगी है? इसका सही उत्तर है ईरान। चीनी कंपनियों की भूमिका को देखकर बिहार सरकार ने किस नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण के मेगा प्रोजेक्ट के टेंडर को रद्द कर दिया है? इसका सही उत्तर है गंगा। भारत के किस पड़ोसी देश के स्टॉक एक्सचेंज में 29 जून को आतंकी हमला हुआ? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। प्रसिद्ध पूर्व खिलाड़ी राजेंद्र गोयल का निधन 21 जून 2020 को हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? इसका सही उत्तर है क्रिकेट। आयरलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है माइकल मार्टिन। केंद्र सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की प्रक्रिया के अंतर्गत इसके वैल्यूएशन के लिए मर्चेंट बैंकों व एजेंसी से निविदा मांगी है? इसका सही उत्तर है LIC। किस राज्य ने CISF की तर्ज पर विशेष सुरक्षा बल UPSSF के गठन का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व आयोजित किया है? इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस कंपनी की निविदा की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है? इसका सही उत्तर है एयर इंडिया। पीरामल फार्मा में किस कंपनी ने $49 करोड़ अर्थात लगभग 3700 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है कार्लाइल समूह। किस राज्य ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना आरंभ की है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 29 जून। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य ने आरंभ की है? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु लोन के कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज छूट देने को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही उत्तर है 2%। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति दी? इसका सही उत्तर है भारत बायोटेक इंडिया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया है? इसका सही उत्तर है नवंबर 2020। के वेणुगोपाल को पुनः भारत का अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है 1 वर्ष। किस राज्य सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना आरंभ किया है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट के खोलोंगछु पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है भूटान। लेखिका गीता नागभूषण का निधन 28 जून को हुआ, वह किस भाषा की साहित्यकार थी? इसका सही उत्तर है कन्नड़।
हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका सही उत्तर है आनंदीबेन पटेल। दक्षिण अफ्रीकी देश मलावी के नवनियुक्त राष्ट्रपति कौन है? इसका सही उत्तर है लाजर मैकार्थी चकवेरा। कौन सी कंपनी हाल ही में भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? इसका सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में खबरों में रहा नवरक्षक क्या है? इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात पीपीई। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ विश्व का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? इसका सही उत्तर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है उर्जित पटेल। प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कार्यकाल कितना है? इसका सही उत्तर है 125 दिन। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है हर एक्शन मायने रखता है अर्थात एवरी एक्शन काउंट्स। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स सूची में 64.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ कौन सा भारतीय 9वें स्थान पर है? इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी। किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। विद्याबेन शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ी थी? इसका सही उत्तर है सामाजिक कार्य। अप्रैल 2020 के अंत तक अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है जापान। इसमें भारत का स्थान 12वां है। कौन सा भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के कारण आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित किए गए रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला प्रथम राज्य बन गया? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ध्रुव क्या है जिसे IIT मुंबई के शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है नाविक के लिए एक रिसीवर चिप। निवेश प्रोत्साहन एजेंसी का नाम क्या है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत कार्य करती है? इसका सही उत्तर है इन्वेस्ट इंडिया। कान फिल्म मार्केट में भारतीय पवेलियन को सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत के किस संघ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है फिक्की। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा आरंभ किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है युक्ति 2.0। किस ई कॉमर्स पोर्टल ने विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही उत्तर है GEM अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस। पीएम केयर्स फंड से हाल ही में 1,000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी कौन है? इसका सही उत्तर है प्रवासी श्रमिक। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात NSO के अनुसार 2017 के लिए क्रय शक्ति समता अर्थात PPP के मामले में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की रैंक कौन सी है? इसका सही उत्तर है तीसरी। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने हेतु तो केंद्र सरकार ने किस नियामक संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है इन स्पेस। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।